नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। लातेहार जिले के मणिका प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत स्थित हाईस्कूल के ग्राउंड में दिन शनिवार को सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जुंगूर गांव और केड़ी महुआ गांव के बालिका वर्ग टीम के फुटबॉल मैच से की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक लातेहार अंजनी अंजन, उपायुक्त लातेहार भोर सिंह यादव, पुलिस उप निरीक्षक पलामू प्रमंडल राजकुमार लकड़ा, डीएसपी कैलाश करमाली, डीएसपी दिल्लू लोहरा समेत कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान आत्मसमर्पण कर चुके माओवादी संगठन के लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा शॉल देकर सम्मानित किया गया और माओवादी संगठन से जुड़े लोगों को आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़ने के लिए अपील की गई। इसके साथ ही डायन बिसाही कुप्रथा के प्रति नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया। मौके पर एसपी अंजनी अंजन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गांव के जो भी लोग माओवादी संगठन से जुड़े हैं वे लोग आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़े। पुलिस प्रशासन के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है, मगर माओवादियों के द्वारा गाँव के किसी भी लोगों को डराया धमकाया जाता है तो स्थानीय थाने को सूचित करें। गांव के लोग माओवादी संगठन के लोगों का सहयोग बिल्कुल नहीं करें। उन्होंने लोगों को डायन बिसाही कुप्रथा के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि आज भी लोग गांव में जब किसी की तबीयत खराब होती है तो डायन भूत कहकर महिलाओं व अन्य को प्रताड़ित करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा करने पर पुलिस प्रशासन के द्वारा वैसे लोगों को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से हम लोग जनता से जुड़ते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं। प्रयास रहता है एक अच्छा समन्वय और संबंध बनाने का। आज जो हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं लातेहार पुलिस के और सामुदायिक पुलिसिंग की तरफ से, इसमें तीन चार थीम हमारा मेन है। एक है उसमें है कि हम लोग अपील कर रहे हैं जो लोग आज भी उग्रवादी संगठनों से जुड़े हैं तो वो सरेंडर करें, मुख्य धारा से जुड़े। झारखंड सरकार की जो सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है उसको पूरे देश में उसकी काफ़ी सराहना होती है। तो आज हम लोग अपील यहाँ करने आए हैं इस माध्यम से कि वो लोग जंगल का रास्ता छोड़े और मुख्य धारा से जुड़े। साथ ही हम लोग ये भी लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से माओवादी आज भी यहाँ पर उनके प्रेजेंस के रहने के कारण आम जनता को, लोगों को क्या नुकसान होता है। इसके साथ में एक अलग से हम लोगों ने थीम आज रखा है, इसमें यहाँ जो प्रथा है डायन बिसाही की जी, उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करें। सामुदायिक पुलिसिंग झारखंड पुलिस का एक कॉन्सेप्ट है जिसके तहत हम लोग झारखंड पुलिस या लातेहार पुलिस पब्लिक से जुड़ रही है और इस जुड़ने के क्रम में हमें इसका अपेक्षित लाभ भी मिल रहा है। जहाँ पे दूरस्थ स्थानों पे, जहाँ पे पब्लिक बात करने से घबराती थी, थाना जाने से घबराती थी, अब वो निसंकोच न केवल थाना प्रभारी से बल्कि कंसर्न सीनियर अफसर से भी फ्रिक्वेंटली बात कर। जी, क्या ऐसा लगता है कैसा प्रभाव पूरे क्षेत्रों में इस तरह से सभी दूरस्थ क्षेत्रों में पड़ रहा हो? एकदम सही बात। जैसे हमारे यहाँ डोकी हो गया, पसांगन हो गया, उस क्षेत्रों में क्या आपके जाने के बाद लोग डरते हैं अथवा कि अभी माहौल जो है सही आया है? सही तरीके से हम लोग अपना बात प्रॉब्लम प्लेस कर रहा है। केवल ना केवल डोकी सीरीज बोलिए, हम लोग का दूरस्थ क्षेत्र है महुआ नाड़क का, उस जगह पे लाटू सब जगहों पे भी इसका असर। वी टाइम न्यूज़ के लिए मनिका से दीपक कुमार की रिपोर्ट।